मुंडी ऊपर करो बेटा, गोली बेटा मस्ती नहीं, गोली बेटा लगाम पकड़ लो। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बने हैं, मैं बना हूं पापा और ये बनी है मम्मी। किसकी है कोई? हम आज एक ऐसे हमारा मतलब, बच्चा है किसकी? हाँ, क्या वही मतलब हमारा बच्चा है, इतना शरारती बच्चा है, इतना शरारती बच्चा है, उसके मम्मी पापा बने क्या मतलब है? मेरे बच्चे को शरारती बोलने की कोई जरूरत नहीं है, समझ गए? आपको वो दिखा दूंगा ना मैं वो बच्चा, तो आप ये कहोगे ये क्या है, ये क्यों है, ये क्यों है? बुराई थोड़ी कर रहा हूँ मैं बता रहा हूँ कि क्यों है, मतलब है तो है क्यों। और उसका नाम अभी बताऊंगा आपको, क्योंकि वो आप नाम मेरे लाल से, मेरे जिगर के टुकड़े से, लाल ही है वो, कन्हैया से आओ, लाल और काला ही है वो, लाल और काला ही है बस वो। अपने बच्चों को काला बोलते शर्म नहीं आ रही? मैंने अपने काला तो अच्छा होता है मतलब समझो आप। अभी देखता हूँ कहाँ है वो, देख के आता हूँ कहाँ है वो। अभी उसको स्कूल के लिए लेट, स्कूल के लिए लेट। जिगर के टुकड़े कहाँ हो तुम? ये देखो जिगर का टुकड़ा, ये देखो ये पड़ा हुआ है, खर्राटे मार रहा है जिगर का टुकड़ा। गोली बेटा, गोली स्कूल नहीं जाना, मम्मी सोने दो। हाँ ये इसको लाल बोल रही थी, इस कलुए को। हंस क्यों रही है? मेरे बेटे का तो क्या है, मेरे लाल उठ जा, स्कूल नहीं जाना इसको। बेटा चल स्कूल जा। क्या परवरिश दी है, स्कूल नहीं जा रहा ये बंदा। तुम्हारा बेटा नहीं, तुम मेरे परवरिश। मम्मी सोने दो यार। बेटा चलो। पेट दर्द हो रहा बहुत। ये ओवर एक्टिंग। पोटी जाया करो ना, हगा करो अच्छे से। मम्मी तो पेट दर्द नहीं होगा। ये देखो। अबे पेट दर्द हो रहा है बहुत। स्कूल नहीं जाना। कैसे कर रहे हो अपने बेटे को? ये बेटा मर्द के बच्चे ऐसे होते, उठ जा बेटा। बाबा मारो मत आप। मारा कब सारे? अरे तुम मेरे बेटे को मारो मत। चल बेटा उठ जा। मम्मी पेट दर्द हो रहा है बहुत। ये तो पेट यहाँ होता है पेट, एक्टिंग अच्छे से कर, यहाँ नहीं होता पेट। तो पापा मैंने यहाँ पे तो कुछ किया। ये सब ये बाहर की लड़कियों से सीख रहा है ये सब चीजें। अबे तू स्कूल जाने वाले लड़कियों से कौन से मिल रहा है तू? स्कूल नहीं आती लड़कियाँ, ये कौन से गाँव में रहती है, स्कूल भी आती है लड़कियाँ? तुम नहीं जाना। चश्मा गिर गया एक्टिंग। ये क्या सिखा रहे हो अपने बच्चे को? ये कौन सा चश्मा है, ये देख के चला गया, इसमें तो छोटी लगती है तू, जब ही नहीं दिख पा रही तू इसको। गोली बेटा पर कहाँ भाग गया? गोली बेटा बाहर। ये गोली बेटा बहुत शरारती हो चुका है। अब आप लोग कह रहे थे, मैं आप लोग कह रहे थे ना गोली बेटा बच्चे शरारती नहीं, ऐसा बच्चा हो ऐसा। पापा बहुत परेशान करते हैं। चलो बेटा स्कूल चलो। चलो स्कूल तो नहीं जाऊंगा मैं, स्कूल तो लेके जाऊंगा, स्कूल तो नहीं जाऊंगा मैं। तुम छोड़, स्कूल क्यों नहीं जाएगा तू? क्यों नहीं जाएगा स्कूल? मम्मी आप तो प्यार करती थी ना मुझसे। तो स्कूल के बारे में कोई प्यार व्यार नहीं बेटा, देख ले बेटा आखिर में बाप ही काम आएगा, याद रखियो। ये लो बाप भी काम नहीं आ पाएगा, बाप भी काम नहीं आएगा आप तो। अरे भाई अंदर रोने लगा। अरे ये तो दोनों माँ बेटा एक्टर, ये नहीं के कल से स्कूल भेज दें, पढ़ाई लिखाई करें, कुछ आईएएस वाईएएस बने। नहीं पापा आप तो बोलो मत, आप भी तो इन्फ्लुएंसर ही बने ना। ये थोड़ी बोल लेगा इंसान, ये ऐसा थोड़ी बोल सकता है कैमरे पे, वो भी बाद में बताऊंगा इसको मैं, अभी रुक जाओ कैमरा बंद होती। मैं इन्फ्लुएंसर तो नहीं बनाऊंगा तुझे, मैं भी इन्फ्लुएंसर ही बनूंगा। नहीं बेटा कंटेंट तुझसे तो लेना, तुझे तू इन्फ्लुएंसर बन जाए, कंटेंट किससे लूंगा मैं? मैंने सोचा है, तू जानता है ना आजकल और पापा दोनों को यूज़ आजकल लोग बच्चे इसलिए करते कि ताकि कंटेंट बना सकें। नहीं क्या? नहीं जब क्यूट सी मम्मी हो ये। हाँ हाँ मम्मी को तो कुछ बोलना मत आप, ठीक है? तू क्यों इतना हिल रहा है बेटा? मेरी औलाद है वो, समझ गए? दोनों हिलते रहते हैं। मैंगो शेक पिलाती। ये लो। अबे स्कूल भेजो उसको, स्कूल की हाँ तो पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा क्या वो? शीतल मैम भी तो अच्छी है, पिछली बार नंबर लेकर आए थे पापा। इंस्टाग्राम आईडी देख आया था, झूठ बोल रहा है, नंबर नहीं दिया था, इंस्टाग्राम आईडी दी थी सब मैंने। और बताओ जो जो आप जो कर रहे थे क्या वाली मैम के साथ? कौन सी मैम के साथ? जब मेरे को आप वही छोड़ गए थे क्लास में। अरे वो तो रास्ता बता, रास्ता बता। क्या है ये? ये कैसा अधमरा लड़का है ये? मैंगो शेक? कौन सा मैंगो शेक? तू मेरे से बात मत कर, तू मुझे
आधी बातें बताता नहीं है। मैंने तो क्या बोला था कि तेरे पापा जा रहे हैं, मुझे सारी बातें बताएगा तू। आप मैंगो शेक दो, मैं आपको सारी बात बताऊंगा। ये अब तुम रुको, अब तुम्हारी खटिया खड़ी मैंने कर दी। ये मर्द जाति मैंगो शेक में बिक जाती है, क्या मतलब रहा ब्रो कोड का? इधर आ रहे ब्रो कोड। ब्रोकोड कहाँ से आया पापा? ब्रोकोड तो था बेटा, बाप बेटे का ब्रोकोड होता है। डील डन करो कुछ, डील डन करते हैं बेटा, तुझे खिलाऊंगा कुछ अच्छे से। आईफोन 15। हाँ क्या? आईफोन 15 मैंने सुना, आईफोन 15 की आई। हाँ फोन आईफोन, ये यही होते हैं बच्चे। अगर देखो क्या आपने इतना ही सिखाया था मुझे? मैंने तो बहुत कुछ सिखाया था बेटा, बहुत कुछ। तो वो सब नहीं सीख सकते हो आप, गलत चीजें सिखाते हो। ये देखो ये सब ले, बाकी मेरे लिए बचा लिया। कलर से क्यों मैच हो रहा है मैंगो शेक? क्या आम के काले आते हैं? बुरा है? काले आते हैं क्या? क्या बोलूं, यही कलर होगा ना आम का, तो और क्या कलर होगा? माँ के हाथों में अमृत होता है तो इससे भी काम चल जाएगा मेरा। माँ आओ बताऊं आपको, बता मुझे सारी बातें। ये माँ बेटा मिलके बाप को इतना परेशान कर रहे हैं, ये नहीं कि चले स्कूल जाए पढ़ाई लिखाई करे। अब बता दो मुझे, क्या बोल रहा है तेरा बाप? साइंस वाली टीचर के ना बालों में बार बार ऐसे ऐसे कर रहा था। अरे वो जुए लगे हुए थे और उनका जो उन्होंने सूट पहना था ना, तुम जाके चुपचाप वहाँ बैठ जाओ। उनसे पूछ रहे थे कि आपने कहाँ से ली। अरे मेरे को केको गिफ्ट करनी थी ना, मेरे को अच्छा सूट था वो तेरे को गिफ्ट करनी थी। तुमने मुझे क्या गिफ्ट किया आज तक? पहले सूट पहना था ये सूट, कितने का है बताना जरा? कितने का है बताना जरा? ये है 2000 रुपए का। और उनसे इतने चंकट मांगूंगी ना, 6000 का लिया है मैंने कल, दफा हो जाओ यहाँ से, जाके वहाँ बैठो। वो वाला नहीं आ रहा तेरे को, जाके वहाँ बैठो। मैं तो 2000 का ही रहा था, 6000 में ठग लिया किसी ने इसको। तू बता बेटा मुझे। उनसे पूछ रहे थे आप अकेले रहते हो, किसके साथ रहते हो? अरे मैं इसलिए पूछ रहा था सेफ्टी प्रिकॉशन से छोड़ने के लिए, टीचर को घर छोड़ना जरूरी, टीचर नहीं होंगी तो फिर ये पढ़ेगा कैसे? तुम जाके वहाँ बैठ रहे हो या नहीं बैठ रहे हो? मैं तब आपको लेके चलूंगा, पापा के मत चले। बेटा तू पापा को बोल कि आप गोरे बंदा मुझे सवारी करनी है। हाँ कंटेंट के नाम पे जूस पिए जा रहा है पूरा भर भर के। गाइस देखो बच्चों की बात हर कोई मानता है। हाँ तो मैं बड़ा उठ के तो मान ले। पापा घोड़ा बने। क्या बने? पापा बने घोड़ा। बेटा ऐसा और क्या बोल रहा हूँ मैं? पापा उसकी तो बात आपने साइंस वाली टीचर से करी थी, उसके आगे तो बोलो मत अब आप। वो तो रिपोर्ट, मेरा मुंह मत खुलाओ भी आप। वो तो मैं साइंस समझा रहा था उसको कि साइंस में बायोलॉजी कैसे ऐड की जाती है, ये समझा रहा था। अभी तो आप घोड़ा बनोगे, थोड़ी हो जाएगा यार, घोड़ा थोड़ी बन जाएगा। रिकॉर्ड करेंगे और आप मुझे यहाँ पे घुमाओगे। अरे ये कैसी बोला पैदा करी है यार, मैंने अकेले ने करी है क्या? उस रात या अंधेरी रातों में यही होता है पापा, ऐसे कैसे होता है? जब तू काला पैदा हुआ अंधेरे में भाई, तो बहुत ही ज्यादा काला है ये तो। आप समझ आया? तुम समझ नहीं रहे बात को भाई, देख मेरे बाल पीछे कर दो। उस दिन पैर लगा ही नहीं लगा पाया मैं। चलो 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 यहाँ से बनो पापा इधर। अब तो बोलिए पापा जी, मूंगी मैं खबर। चलो देखते हैं, परेशान करके रखेंगे आयशा को आज। लगाम पकड़ लो। क्या कर रहे हो यार? अरे बेटा वजन पूरा दे दे, पापा संभाल लेंगे, पापा स्ट्रांग है। झुकने की आदत नहीं है, बच्चे का वजन ज्यादा है पापा। बच्चा बहुत है। अरे बेटा गोली बेटा पूरी कमर टेढ़ी हो गई। कोई ना बाबा, मैं दबा दूंगा रात में कमर आपकी। यार गंदी संदी बातें नहीं करने, गोली तेरे को ये सिखाया मैंने। दमी नहीं है यार आप में, साइंस वाली टीचर को कैसे झेल पाओगे आप? पूरी दम उस टाइम ही निकल गई जब तू हुआ था, मन गए। चलो 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 बहुत बहुत काफी है इतना। कौन सी क्लास चल रही जब मैं नहीं आ पाया? एक क्लास में सिखाया था। अच्छा
ये क्या हुआ, अगले 8th क्लास में जब ये कौन सी क्लास जाके घुमाने का लेके के चल रहे हो बाप। अरे क्या बोलूं इसको भाई, घूमने भी तो चल रहे थे, आज हम छुट्टी है। कोई छुट्टी नहीं है। अरे माँ बेटे के क्या चल रहा है जब से? तुम्हें क्या करना? जूस तो पी लिया मैंने। हाँ तो अब मुझे चाय पीनी है तो बना के पी ले। सीखो, मैं हमेशा यही कहता हूँ, मुझे हमेशा चाय पीनी है, हमेशा बनाओ चाहे मम्मी बनाओ। सुनो सुनो, मुझे नहीं पता। सुनो सुनो, हमेशा आगे चल के तेरी जब बीवी आएगी मुझे नहीं पता वो नहीं बनाएगी भाई। आजकल जो फैशनेबल आ रही है यही बनानी पड़ेगी। तुझे नहीं, मेरे को चाय पीनी है। तुझे ही बनानी पड़ेगी आगे जाके। पापा मुझे चाय पीनी है। मैं तो अभी से इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि आजकल बहुत फैशनेबल लोग हैं, लोग आजकल काम नहीं करते, तो इसलिए बोल रहा हूँ अभी से सीख जाए लड़का अगर काम करेगा। साला इसकी बुद्धि बिल्कुल तुम पे गई है। मैंने बोला अपने बाप को परेशान कर चाय बनाने का बोलने को तो मेरे पीछे पड़ गया। सही कहते हैं बच्चे सिर्फ दूसरों के अच्छे। और बीवी भी नंबर नहीं ले रहा था उसको, मैथ समझा रहा था मैं। साइंस वाली टीचर को मैथ समझा रहा। और क्या, उसको साइंस समझ आती ना, उसको बायोलॉजी समझ, उसको बायोलॉजी समझ आती, इसलिए मैथ समझा रहा था। मैथ वाली को बायोलॉजी भी समझा दी थी मैंने। पापा वो कहते हैं वहां पे थोड़े नॉटी, बता रहा हूं मम्मी मैं आपको। ओ बेटा ये नॉटी क्या होता है? हां नॉटी क्या होता है? नॉटी क्या होता है? ये पापा के मुंह से सुना था एक बार मैंने रात को। तो ये नॉटी नॉटी बातें कर रहे थे ये। अच्छा इससे तो नॉटी क्या होता है? जब तेरे को पता है नॉटी नॉटी बातें होती है तो नॉटी क्या होता है? नॉटी तो पता, नॉटी अमेरिका। सारी बातें 8 का टेबल सुनाइयो जरा। हाँ सुना, आज तो सुना ही दिया आज में। 8 बन जा 8। हाँ तो 8 2 जा। देखा कुछ अभी, नहीं आता तेरी, अभी पूछ तेरी, अभी पूछ अभी इससे, गलती करती अभी इससे पूछ ले एक्स वाई एक्स क्या होता है सब बता देगा अभी बायोलॉजी में। अगर एक्स और वाई होता है अरे ये तो पढ़ाई, तो ये तो पढ़ाई लिखाई की बात ही है। बिल्कुल बेटा ये तो क्या होता है फ्यूचर कौन कैसे आप शब्द से यूज कर रहे हैं? बाप ये नहीं बोले, पापा पिताश्री बोले। रेडी चाय पिला दो। पिताश्री बोलो मुझे। पापा जी चाय। हाँ ये ऐसी ऐसी माँ और बेटे दोनों मिलके क्या कर रहे हैं? ऐसी बेटे तुमने बिगाड़ा मेरे बेटे को, मैं इसको संस्कार नहीं देती तो भी ये बिगड़ता ही। एक तो ये पूरा गेट रंगीन कर दिया इस बंदे ने, पूरा काला पीला पता नहीं क्या कर दिया, ड्रॉइंग बना दी इसमें। ओ माय गॉड भाई इतनी रेसिस्ट, इतनी रेसिस्ट मम्मी मैंने आज तक नहीं देखी। हर किसी की मम्मी ऐसी थी, मेरा लाल मेरा पीला मेरा काला। देखो सुबह सुबह गुड मॉर्निंग होती है, ठीक है तो मैं उठता हूँ, फिर मॉर्निंग उठता है उठ जाता बेटा, फिर मैं योगा करता हूँ, फिर एक्सरसाइज करता हूँ। अच्छा ठीक है तो एक्सरसाइज की स्पेलिंग बताइए। हाँ बिना पढ़े जाता थे ई एक्स। हाँ आगे एक्स आगे। देखा ये हरकतें इस सब की। ये पापा आपकी एक्स थी कोई? बहुत थी गाइस, ये सब बातें इस ब्लॉग में थोड़ी की जाती हैं। दोनों माँ बेटे लगे हुए ये कुटने के लायक है बच्चा तुम्हारा। मैं तो स्टार्टिंग से कूटने के लिए, मैं तो कह रहा हूँ कूट पूट के खत्म करो, दूसरा करेंगे। चश्मा दे अपनी मम्मी का, महंगा है बहुत। मम्मी के डर है। सुनना सुन, कूट पूट के खत्म कर, दूसरा करेंगे, मजा नहीं आया इस बच्चे में। नहीं नहीं अब तो चाय चाहिए। अपने पिताजी से बनवाओ बेटा, पिताश्री से। पापा जी चाय हो जाए एक। पापा जी के पहले पैर दबाए जाए, इनके संस्कार नहीं है तुम्हारे, पैर नहीं छुए अभी तक। तुम जाओ पहले मिल ले जूस लेके। ये लो जूस लेके आओ। पिताश्री क्या समझ रखा है यहाँ पे, यही समझ नहीं आ पा रहा मुझे। पिताश्री ने सोचा था एक बढ़िया कॉमेडी, कॉमेडी तो नहीं मैंने सोचा, मस्त आपको दिखाएंगे मम्मी पापा हम कैसे बनेंगे, पर ऐसे बनेंगे तो बिल्कुल नहीं बनेंगे। कैसे बनेंगे वो क्या होता है पापा, वो थोड़ी दिखाओगे आप सब। मेरे को तो आपने पागल बना दिया कि ऊपर से आते, तू तो ऊपर थोड़ी बनाओगे। तू तो बेटा जमीन से आया था, ऊपर से तो फिर भी अच्छे लोग आते। तू तो उसे जमीन से खोदा हुआ था बेटा। मेरे लाल पर्सनल हो रहे हैं मम्मी, मम्मी बहुत ज्यादा पर्सनल हो रहे हैं। लाल तो नहीं है, काला ही है सिर्फ। क्या ही कर सकते, पापा भी मतलब पापा नहीं है वैसे। मेरे लाल मेरे काले। आ जा बेटा तुझे बताऊंगा क्या हूँ। पापा चाय ले आओ, बहुत देर हो गई आपको। जाओ तो चाय। गाइस चाय मैं कुछ नहीं बना रहा, मैं तो इसको जूस देता हूँ। ये क्या है? पेपर बोट। अरे इससे कौन पिएगा, ग्लास में लेके आओ। ओ माय गॉड, देखा इसलिए कहता हूँ आप सब लोगों से, जिसने भी जो भी लोग अभी सिंगल है प्लीज शादी ना करें, शादी करें तो बच्चे ना करें, बच्चे करें तो फिर ऐसे ना करें, समझ गए? ठीक है। आज आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। अरे पहाड़ के नीचे काम है। पापा को उठ के क्यों भैया? पापा आप काम करते हुए पापा आपको ऊंट बोल दिया और तू सुन लिया। बेटा कैसा है? पापा बहना थोड़ी कुछ भी थोड़ी बोलोगे ऐसा बेटा।
क्या बोलूं मैं, किस लिए पैदा किया था, प्रोटेक्शन के लिए पैदा किया था, आज प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा मैं। आज देखो पापा को काम करते हुए देख रहा हूँ, आवाज चला दे पूरी आवाज ही ना है, पापा काम कर रहा है पहली बार जिंदगी में भाई। तो इसी काम किया था जब भी तू हुआ था, बस वही 8 साल पहले किया था और अब कर रहे हैं। कैसे पता, बीच में कैसे क्या किया पापा आपने, बीच में कोशिश बहुत की, बीच में PS5 खेला। ओ मम्मी भी सरकेजम में तो खेल लेती कभी कभी। मैडम जी आपके लिए क्या है, जूस इसे तो पी लिया, बढ़ता रहता ग्रैंड हो रहा है। ये बता तू करे, अरे बटन तो बंद रखा करो, दादागिरी क्यों करते हो, लक्षण ही नहीं है तुम्हारे पिताजी में। ये एक बार बता माँ किसकी साइड है ना, तेरी साइड ना मेरी साइड, कभी पलट जाती है साइंस, लड़कियां होती ऐसी हैं। हां पापा सुन आगे बता दूं तुझे, रुक जा एक मिनट रुक जा, कुछ उसको अच्छी ज्ञान की बातें बता। कैसी होती है लड़कियां, बहुत अच्छी बेटा लड़कियां बहुत अच्छी होती है, वहां बताना टेबल पे बताना पापा। नहीं नहीं बेटा सुनो, क्या हुआ ना स्कूल में देखो लड़कियां मिलेंगी बहुत सारी। हां पापा बहुत सारी तो है मेरी क्लास में, बहुत सारी है ना, किसी से दोस्ती नहीं करनी क्योंकि ये दोस्ती के लिए फंसा लेती है, जैसे मुझे फंसा लिया ठीक है, फिर बाद में क्या होगा तेरा जैसा नालायक हो जाएगा। बाबा एक क्रश है मेरी स्कूल में, क्रश से कुछ नहीं होता बेटा सुन बेटा, हर लड़की एक जैसी नहीं होती, और दूसरी किसी लड़की का दिल नहीं तोड़ने का जिंदगी में, कभी भी याद रखना। मैं दिल लगाने ही नहीं दे रहा हूँ, मैं दिल तोड़ता भी नहीं हूँ। गुड, ये बहुत गलत बात कर रहा है गाइस, इसको दूर रखना है। कोई भी अगर ये ब्लॉग देख रहा है और अपनी बेटियों को दूर रखना, ऐसा बच्चा मैं खुद बाप होके बोल रहा हूँ, इस बच्चे से दूर रखना। देखो हमने उसको एक ही चीज दी है, जब तक शादी नहीं हो जब तक जितनी गर्लफ्रेंड बनानी है बना लो। नहीं नहीं हमने तो नहीं दी, मैं तो नहीं बोलता भाई ऐसा नहीं, ये सब क्या चीजें हैं, गर्लफ्रेंड बना लो कुछ नहीं होता, ये सब मैं बहुत सीरियस संस्कार है पापा, मैं बहुत सीरियस वाला हूँ। किसके लिए, वन वुमन मैन। क्या वन वुमन मैन, मैं सिर्फ एक से ही शादी करूंगा, एक से ही करते शादी बेटा, कितने करते गर्लफ्रेंड को। देखा ये संस्कार है आजकल, पापा मेरे को अच्छी नहीं मिलेगी जब तक मैं सच करता रहूंगा। ये कैसा एक्सप्लोर है, आपने भी तो यही किया था, नहीं, मैंने तो नहीं किया ये सब। आप भी बता रहे थे उस दिन जब आप जब आपने ज्यादा पी ली थी, आपने बोला ना ये सब सिखाया तेको, और आपने ये बोला आपके स्कूल में बहुत चर्चे थे, मेरे फुटबॉल के चर्चे थे। आप प्यार से फुटबॉल खेलते हो, अरे यार इसको मारो यार, कुर्सी कुर्सी पटक के मारूंगा, ये कैसा बच्चा पैदा हो गया मेरे बच्चे को, हाथ मत लगाओ। इसलिए कहता हूँ बेटा स्कूल ही बेटा को स्कूल भेज दो, ताकि कोई और गोली आए। आज तो नहीं जाऊंगा, नहीं नहीं एक ही गोली देंगे जब जाके दूसरी गोली आएगी। आज तो नहीं जाऊंगा बेटा, कोई जरूरत नहीं जाने की। आज मुझे कहीं घूमने लेके चलो, आज मुझे घूमने जाना है। लेकिन एक शर्ट पे लेके चलेंगे, तू जिद नहीं करेगा किसी चीज की, जिद तो मैं वैसे भी नहीं करता। हां तू तो कुछ नहीं करता, ये क्या करते हैं। हां स्टाइल है बेटा, जरा पैर दबा दो, उसके पैर दर्द हो रहे थे आज, ये संस्कार दे रहे तुम। अरे तो क्या हुआ, माँ बाप अपने बच्चों को नहीं पालेंगे क्या, पाल तो रहे हैं और कितना इतना बड़ा पाल दिया, और क्या पड़ा हो गया पूरा पाल के, और कैसा पड़ा। लाओ पैर दबा दो यार, मेरे को दबाने पड़ेंगे भाई, चलो दबाओ। पहले के टाइम पे आज से 50 साल पहले बेटे अपने बाप के पैर दबाए करते थे, आज भी दबाते, 50 साल पहले नहीं दबाते थे बेटों के, सबके हाथ है मेरे पैरों में इतना दर्द है कि तब तू क्या काम करता है तेरे पैरों में दर्द है। ये वैसे बोलेगी तू, लड़कियां पहले के टाइम में नाम नहीं देती थी, अरे तू बोल रही है, जा तू पहले के जमाने में ले जा। पापा एक दिन बुला तो रही है आपको, क्यों हार में जाओ दोनों बाप बेटे। मम्मी को गुस्सा दिला दिया, ये ब्लॉग तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल कलेशी ब्लॉग है, क्योंकि कोई प्यार से बात ही नहीं करता हमारे घर में, ऐसा लग रहा है मुझे, इतने प्यारा माहौल था। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, ऐसा तो नहीं कर पाएगा जी बेटा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। चल चलो बेटा बाहर घुमा के लाए तुम्हें, चलो। मगर मम्मी सबसे प्यार भी, मम्मी आपके लिए गुलाब, रहने दे बेटा टूट जाएगा वो, मदर्स डे आया था ना अभी तो आपके लिए लेकर, क्यों स्टोरी डालनी थी क्या तुझे। हाँ गाइस ऐसे ही लोग होते हैं, ऐसे बच्चे हो रहे हैं आजकल के, स्टोरी डालने के लिए वैसे पूरे दिन काम करवाते हैं मम्मी से, और जैसे स्टोरी डालने की होती मम्मी मैं काम करूंगा ऐसा दिखाता है। मम्मी की हेल्प कराता हूं किचन में, पापा तो बैठे रहते हैं और PS5 खेलते रहते हैं। सच बोला करो ना, सच में क्या हो जाता आपको बेटा, वहां पे आपको एक बात बताता हूँ, पापा आते हैं, पापा आएंगे यूं आएंगे और यूं बैठ जाएंगे, ये चार्जर गाइस, पापा का बैठने का स्टाइल थोड़ा अलग है, ये बैठ जाते पापा ऐसे कुंडली मार के, मोबाइल रखेंगे यू, ये सब बताऊं मैं समझ गया, ये सब साजिश है कि ताकि मैं ये सब काम ना करूं, ब्लॉग ना बनाऊं, ये मेरी इंस्टाग्राम और यूट्यूब हड़पना चाहते हैं, मेरी प्रॉपर्टी के हिस्से हैं ये, तो ये पापा बहुत डिमांडिंग है, ये सब हड़पना चाहते हैं, माँ बेटे की प्लानिंग है आजकल, मैं सब समझता हूँ। हो गया नहीं, हो तो नहीं गया, अभी होएगा थोड़े दिन बाद,
तो अभी मॉल चलते हैं, मतलब मॉल के कहीं चलते हैं, घुमा लाते हैं। चलो बेटा क्या हो गया बाबा सीर एक लड़की को देखा था मैंने ऐसे चलते हुए। कैसे चलती लड़कियां? ऐसे चलते हुए देखा था। अच्छा नहीं है भाई, मत चल, अभी हो जाएंगे थोड़े टाइम झुका कर। आप ऐसे थोड़ी बोल रहे हो, आप तो फिर बोल रहे हो, कंटेंट के नाम पे झुका रहे पापा। क्या बोलूं तुझे मैं, आप क्या ही बोलो बाबा, आप तो कुछ बोल नहीं सकते। एक तो ना पीछा मत करा करो, घर से निकल जाऊंगा निकल बेटा गाइस जा रहा हूं मैं। ठीक है भाई, वापस मत आना, थोड़े दिन मत आना गाइस, जा रहा हूं। हिस्सेदार हो जाएगा, देख ले पहले सोच ले, हिस्सा हो जाएगा। नहीं, प्रॉपर्टी ज्यादा, प्रॉपर्टी जैसे ही बहुत, चलो प्रॉपर्टी ज्यादा नहीं पापा। ये देखो फैशनेबल मम्मी बन रही है एकदम यार। तू क्यों नहीं बन पाया मक्खन? मम्मी ने मेरे को धूप में छोड़ दिया था, थोड़ा टैनिंग ज्यादा हो गया। एक बार इसको कोई नहीं पटक दिया धूप में, दो दिन बाद उठाया भाई थोड़ी है ना, धूप में छोड़ दिया था वो। मैं क्या क्रिकेटर बनना चाहता था। नहीं, तो पापा ने दो तीन दिन मेरे को बाहर ही छोड़ दिया। ऐसा हुआ था, ये छोटा था ना, तो किसी ने इसको बाहर डोर पे टंगा दिया था। और पता धूप में टंगा रहा तो काली डोरी हो गई, तो डोरी के साथ भी काला हो गया ये। क्या बोलूं मैं, काला हो गया, टैन हो गया बेचारा, टैन हो गया भाई। इतना इतनी रेसिस्ट मम्मी पापा आपने कभी नहीं देखे होंगे भाई। जस्टिस फॉर बेटा, जब भी अपने बच्चा करें, जस्टिस फॉर गोली बेटा, सुनो से, जब भी अपने बच्चे करें ना पेरेंट लवली रगड़ देना उसके ऊपर, पेरेंट लवली एडवर्टाइजमेंट, मुझे पैसे भेज देना ठीक है। पीछे मैं तो आगे बैठ, अरे यार तो आगे कैसे बैठेगा, क्यों आपकी गोदी में नहीं बैठ सकता? मेरी गोदी में बैठ जाएगा, मैं तो आपकी गोदी में बैठ। अरे आप पीछे करो सीट को, मैं चलाऊंगा आज गाड़ी ऐसे। अबे क्या पापा, एक तो बड़ी गाड़ी लो, आपको छोटी गाड़ी, इससे बड़ी यार गाड़ी और क्या लूं, गेंडे बच्चे, गेंडे बच्चे, अरे मतलब गोली बेटे, गेंडा मुंह से। पापा तो कुछ भी बोलते, पापा अपनी औलाद को बुसो। पापा आपने उस दिन कैसे बिठाया था? उस दिन तो छोटा था बेटा, तो बहुत बड़ा हो गया दिन ब दिन। बड़ा हो गया क्या मैं? मजा तो आता है, मजा बहुत ले रहा है। चलो उधर जाओ बेटा, आ जाओ, चलो चलो पीछे बैठ, ऐसे ही चले हैं ऐसे कंडक्टर की तरह, इधर इधर इधर। मैं देखा, मैंने स्कूल की मम्मी बहुत मारती है, चलो पीछे पीछे गेट खोल, गुस्सा दिलाती है गुस्सा, ये सब इधर पीछे का गेट खोल और पीछे बैठ, ये लो हरकत देख लो, और करो ऐसे बेगोली बेटा, मैंने अकेले नहीं करा, तुम्हारी गलती है, ये तुम्हारी औलाद है, तुम पे गई है गलती, तो है मेरी। आप पीछे बैठो, बताओ नालायक बच्चा, बूम, ये क्या हरकत है गोली बेटा, बू। आप वो नहीं देखते जिम जैमी बू? पापा देखते थे पहले बचपन में, अब कौन सा आता था वो, शक्तिमान, शक्तिमान तो बेटा नहीं, वो आता था बाबा जिम जैमी बू, जब आप बहुत गरीब थे, आपने बताया था कि शक्तिमान देखते थे आप उसपे बेटा, जब से जो तू पैदा हुआ उसके बाद तो और गरीब हो गया हूँ मैं, तुझे महसूस नहीं हुआ? पापा यार क्या बदतमीजी है बेचारे मेरे बच्चे को, तुम कैसे बोलते हो यार, बिल्कुल शर्म नहीं आती। पापा ने इतने अच्छे स्कूल में डाला, मैं क्या कर सकता हूँ, फीस ज्यादा है वहाँ की। तुम पहले ना गाड़ी ठीक से चला लो, बाद में मेरे बच्चे को पोस लेना। गाड़ी तो बहुत बढ़िया चलाते हैं पापा। पापा उस दिन आपने उससे भी तो मिलाया था, किससे? तू बहुत मिल रहा है आजकल लोगों से, कम मिला कर तू, तो आप मेरे वहाँ ही तो निकलते हो बाहर कि गोली बेटा को यहाँ जाना है, गोली बेटा को वहाँ जाना है। गोली बेटा जाता क्यों नहीं कहीं, एक दिन चले गया। अब पापा चला जाऊंगा एक दिन, कहाँ चला जाऊंगा पापा एक दिन, दूर जाएगा, दूर चला जाऊंगा एक दिन बेटा, बहुत दूर तक जाएगा। ये तेरे पिताजी भी यही काम करते थे स्कूल में। हाँ तो मैंने चर्चे सुने हैं, टीचर बताती है आप उनके बेटे हो ना, मैं हाँ तो बहुत खुश होती है, एक मैम तो बहुत स्माइल करती है और पूछती रहती है पापा का है, पापा का हसमुख मैम है यार, हसमुख रहती है तो अच्छी रहती है ना, मतलब टीचर खुश रहेंगे जब भी बच्चा खुश रहेगा। नहीं नहीं मुझे लगा था मेरा बेटा तो मेरी कदर करेगा। नहीं मम्मी मैं कदर करता हूँ, पापा कदर करते पापा को मैंने ब्लॉक मार रखा है वाले मैडम के नंबर से, बता आपको, वाह वाह मेरा गोली बेटा, थैंक यू, अब मेरे को आइसक्रीम चाहिए। हाँ बेटा दो आइसक्रीम, तेरे पापा की इससे पापा को नहीं खिलाएंगे, पापा तो गाड़ी चलाने में व्यस्त है, पापा से खरीदवाएंगे और खाएंगे हम, यही होता है भाई। गोली बेटा सुनो, एटीएम पापा का, गोली बेटा मैं तो कहता हूँ गोली बेटा आप शादी मत करना, आपको बता रहा हूँ मैं, क्यों पापा? बस गोली बेटा अपने अपना कमाना, अपना खर्च करना, एंजॉय करना, नहीं तो ऐसे शरारती बच्चे को खिलाते रह जाएगा, समझे बेटा? ओ क्या कर रहे हो अब, बोलते क्यों नहीं हो, सोचूंगा, सोचना मत बेटा। पापा मेरे को रशियन जाना है पापा, रशियन जाना है, रशिया जाना है।
पापा रशियन जाना है, पता नहीं रशियन रशियन बात कर रहे थे स्कूल में, स्कूल में रशियन बात कर रहे थे। कितने में जाएंगे? मम्मी 5,000 बोल रहे थे, अब पता नहीं वो कंट्री वाले थे। गाइस ये बहुत ही गंदा गंदी बातें करते हैं, ऐसे ऐसे बच्चे बिगड़ जाएंगे। आप गए हो रशियन का भी? नहीं 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 बेटा, मैं तो इंडिया ही खा खुश हूँ। नहीं बेटा पापा तुम्हारे बहुत अच्छे हैं, वो तो ब्लॉग के लिए थोड़े शरारती बन जाते हैं, ऐसे ही थोड़ी ना दिखा रही है तुम्हारे पापा से। तो पापा मैं जाऊँ रशियन? नहीं नहीं, तो 5,000 दे दोगे आप? नहीं नहीं वो खुश नहीं रहेंगी। खुश नहीं रहेंगी पापा, ऐसे कैसे बोल रहे हो आप? पापा कुछ भी बोलोगे पापा तो सर पे चढ़ गए। नहीं पापा नहीं, आपको भी मेरा बेटा नाम करेगा। चुके हैं गोली बेटा को घुमाने के लिए। गोली बेटा हरकत है, गोली बेटा लड़की मत देखो इधर। क्यों नहीं देखे जा रहा है? पिताजी भी तो जाएगा। मैं पिताजी पे क्यों जाएगा? क्यों यार तुम भी तो यही करते हो। उसने ना ऐसे किया था, सिग्नल दे रही थी। कौन सा सिग्नल दे रही थी? ये होता है सिग्नल होता है बेटा, ये शायद तक होता है कि उसके वो ड्राई हुए थे। तू क्या करेगा उसमें, उसके और ड्राई हो गए थे पापा। मेरे पास वो वैसलीन है ना, मैं दे सकता था उसको। पापा को नहीं दी वैसलीन, पापा के और ड्राई हो रहे हैं। हो रहे आपके? हाँ ढूंढता हूँ कोई आपके लिए। देखा ये देख तेरा बच्चा। अरे वैसलीन ढूंढता हूँ कोई आपके लिए। कौन सी कंपनी के लिए थे आप? कंपनी तो बता दो मुझे। तू बेटा कुछ नहीं बोल रहा अभी पापा। आपको चड्डी भी लेनी थी, बताया था ना आपने, तो यहाँ से थोड़ी ले लूँगा। पापा गरीब हैं। थेले से लोगे क्या पापा? नहीं नहीं पापा लेंगे जॉकी से। पापा ये रहा पापा, ईसाई लग रही है ये वाली थोड़ी लेनी है। जॉकी क्या? जॉकी बेकार थी वो, जॉकी नकली जॉकी थी वो। और क्या ये बताइए, हमारा लड़का है लगता है पापा। सबको थोड़ी बताना होता है, सबको बता दिया अब तो। सबको बता रहे हैं, अब अच्छा नहीं लग रहा मुझे सर। अब तो हमें आनी चाहिए तेरी हरकतों को देख के। फील नहीं हो रहा मुझे अब यहां पे। ओह माय गॉड, यहाँ से तो दिला ही सकते हो आप? नहीं बेटा ये बहुत छोटे बच्चों के लिए, तेरे लिए नहीं है। चल देखो यहीं से। अरे तुझे बोला तो तू जिद भी करेगा? मम्मी जिद थोड़ी कर रहा हूँ, बस थोड़ा एक दिला दो, बस उसको दिला दो। अरे बेटा ये बहुत छोटे बच्चों के लिए है, तेरे लिए नहीं है। मम्मी ये दिला दो मुझे, इस पे ना मैं ऐसे फिसला कर रहा हूँ यार। तू लेट जाएगा, फिसल पट्टी छोटी पड़ेगी। नहीं बेटा तेरे साइज का है ही नहीं, घर में जगह नहीं है, हमारे हम फ्लैट में रहते हैं। चलो मैं क्या समझाऊं, ऐसे ही बल ओरे ओरे पूरी मुंडी टेढ़ी हो गई। कटिंग कराया बेटा? मैं इतनी बुरी माँ बनूंगी? और क्या, तो बच्चा इतना बड़ा है उसको चीजें कैसे दिलाऊं? तो बच्चे को बड़े बड़े बच्चे को चीजें नहीं दिलाई जाती। बेटा अपने पापा से बोलना, मेरे को यह चालू ना। घर के बाहर नहीं निकलने दूंगा पापा, कहीं मत लेके जाओ मम्मी को। तो देखा तू मेरा साथ नहीं देता ना, इसलिए मैं तेरे को कुछ नहीं दिलाती। तूने अपने पापा से जिद करी मेरे लिए? आपने दिलाया पहले मुझे? पहले देखो दिलाना चाहिए। मम्मी कौन है? मतलब वो ठीक है, पर तूने करा, तूने साथ दिया मेरा। बहुत बकवास करते हैं, लड़ते रहते हैं। मैं तो ऊपर जा रहा हूँ, आप कुछ नहीं है, ऊपर जा रहा हूँ मैं तो। अपने आप पीछे पीछे आ जाएंगे मेरे, क्योंकि वो मारने की कोशिश की गई, मारने की कोशिश की गई, मारी। क्या हो गया? महंगा कैफे तो बेटा नहीं जाते, महंगा कैफे में नहीं जाते। इसलिए आपको मैंने बता दिया पहले कि वहाँ नहीं जाना अपन। इस साइड चलेंगे कुछ अपन, इस साइड चलेंगे, सस्ता कुछ देख लेते। बेटा अब सीख रहा है। फाइनली गोली बेटा को स्कूल के लिए मना लिया है। बेटा बोतल कहाँ गई तुम्हारी, ये लटकाने वाली मैंने दिलाई थी। मम्मी लाएगी बेटा, भर के सब रखा था बैग, बोतल कहाँ फेंकी तुमने? मम्मी ने टिफिन भी नहीं बनाया होगा, मम्मी काम चोर है। मैंने आलू की सब्जी बनाई है, मेरे को तो भिंडी खानी थी, मैंने आपको बोला भी था। रोज रोज भिंडी नहीं बनती, आलू की सब्जी बनी, आलू की। मम्मी मैंने आपको बोला था बेटा पूरा प्रोटीन मिलना चाहिए ना बॉडी को। नहीं लेकिन आज तो भिंडी बोली थी। आलू की सब्जी खाएगा आज तू? ठीक है हमें खा लूंगा, चाटा मार दे इसको आप। दूसरी दीदी को बोलो चुप। अरे बेटा चल निकल, चलो चलो। बैग कहाँ है? बिना बिना पढ़ाई का कौन सी पढ़ाई करेगा वहाँ पे? हर चीज इसको हाथ में लेके बेटा सब रख ले। बैग वो अंदर होगा। भाई साहब कैसी मम्मी है, ऐसे अत्याचार करती है मेरे बेटे ऊपर। इतनी इतना प्यार है तो खुद ही टिफिन बना लिया करो, खुद ही भेज दो। मैंने तो बेटा मैं रोज छोड़ने जाता हूँ उसको टिफिन में। पापा ये ले जाओ। क्या है ये? क्या है पापा? ये दोस्तों के साथ प्लान है आज। नलायक ये देखो, ये किसकी है ये? पापा रख लिया सारा सामान। ये ऐसा बेटा हो तो क्या बोलूं मैं इसको।
गाइस चलो अब ब्लॉग वैसे खत्म हो रहा है क्योंकि अब इसको स्कूल भेज, पहले इसको दफा करो घर से। हाँ तो स्कूल, इसको बस स्कूल भेज देते हैं और अब हम ब्लॉग खत्म कर रहे हैं क्योंकि एक और गोली होने वाला है। तो अब तो नहीं जाना, अब तो नहीं जाऊंगा मैं, नहीं नहीं जाना पड़ेगा। तो गाइस हमने ये सुनो हाँ तो गाइस ये हमने ब्लॉग, बात तो सुनो गाइस, अरे सुन लो यार कोई सुनी ना। ये ब्लॉग हमने वैसे भी जो भी बोला हो मस्ती मजाक में बोला है और ये काला वाला जो भी बोलते मस्ती मजाक, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि एंटरटेनिंग ब्लॉग बने, ऐसे बोरिंग ब्लॉग ना बने। और अगर किसी को बुरा लगता तो लगता है कुछ भी तो उसका मेरी तो मर्जी, मेरे को जो भाई अब जो रियलिटी है वो बोलेंगे, मजाक मस्ती करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, करीब बच्चों तो गाइस ये ब्लॉग यहीं पे खत्म होने वाला है। आई नो आप लोगों को ये बहुत अच्छा लगा होगा और मैं जानता हूँ बहुत टाइम बाद ये ब्लॉग आया तो ऐसी थोड़ा हड़बड़ी में जैसा तैसा बना, बट अगले ब्लॉग और ज्यादा इंटरेस्टिंग होंगे। तो इस वीडियो को सारा प्यार देना, इस वीडियो कम से कम 10,000 लाइक कर दो तो नेक्स्ट ब्लॉग अगले दिन ही आ जाएगा। और भाई बच्चे भाई क्या बच्चा बना बाप, बेटा अभी ब्लॉग खत्म नहीं, बहुत मारूंगा। नेक्स्ट ब्लॉग बनने वाले हैं। तो गाइस इनकी मस्ती चलती रहेगी तो इस ब्लॉग को बहुत सारा प्यार दो एंड लव यू ऑल गाइस। आह वाह।